फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब लोग भी अच्छे हैं। और ये देखिए मैं क्या कर रही हूं, मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स चैनल है, तो इसका आज मेरा दो चार दिन हुआ पहले पेमेंट आया था, तो मैंने सोचा कि अपने चूलों को स्ट्रेट कराऊँ बाल को, क्योंकि मेरा तो बहुत कर्ली चूल है, तो मतलब कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत लोगों को कमेंट भी आ रहा था कि चिड़िया का घोंसला है ऐसा लोग बोल रहे थे इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे भी मैं शॉर्ट सुनाती हूँ, जो लोग फॉलो नहीं किए तो प्लीज़ फॉलो कर ले। गुड़िया साहब 2345 है आईडी नंबर, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट करें, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, या आज इसका मतलब सैलून का एनिवर्सरी है, एक साल हुआ है, एक साल ही तीन चार साल हुआ है यानी, तो आज एनिवर्सरी था तो डिस्काउंट था, तो हम तो ठहरे भैया खैर कोई नहीं, अपना मतलब बजट में देखते हैं। तो मैंने देखा, देखिए लिखा हुआ भी है एनिवर्सरी, तो इसलिए थोड़ा बजट में आ गया, डिस्काउंट था, तो हम चल गए कि चलो करा लेते हैं। तो ये देखिए, ये सिस्टर है जो अच्छी है, मतलब कि बात कर रही थी और इसने बोला कि दीदी आप कर सकती हैं ब्लॉगिंग, क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी आता है ना ब्लॉगिंग करता है, तो हम बोले ये क्यों नहीं, जब ये भी सपोर्ट कर रही हैं और बहुत प्यारी भी है। इसने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी किया है, तो इन्होंने बतलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम बोले चलिए ज़रूर भाई, हम भी ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि हम भी तो यूट्यूबर है ना, छोटा ही सही बट है, तो छोटे से ही बड़े होते हैं, बूंद बूंद करके समुद्र भरता है, एक एक सब्सक्राइबर करके मेरा भी हो जाएगा लाखों में मिलियन में। तो एंड तक जुड़े रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉगिंग बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और हम अभी यहाँ पे आए थे, मतलब कुछ दूसरे काम से आए थे, तो फिर मैंने देखा कि एनिवर्सरी है, तो सोचे कि चलो बात कर लेते हैं। हम ऐसे सोच के नहीं आए थे कि हम आज स्ट्रेट करा ही लेंगे, तो लेकिन आने के बाद मुंड बदल गया, थोड़ा डिस्काउंट भी मिल गया, चलो भैया करा लेते हैं। तो देखिए तीन चार बार लगता है लेयर सैम्पल, उसके बाद सुखाया गया, फिर उसके बाद से फिर कलप किया गया, कलप नहीं मतलब जो उसका होता है स्ट्रेट करना, हाँ तो वही लगाया गया। और बच्चों को मैं घर पे छोड़ के आई थी, मतलब मैं सोच के ये नहीं आई थी कि मतलब स्ट्रेट कराऊंगी, इसीलिए मैंने किसी को बतलाया भी नहीं था। तीनों बच्चे मेरे स्कूल गए थे, फिर मेरे हस्बैंड जी के साथ आई थी अपने, तो मेरे हस्बैंड जी यहाँ पर छोड़ के फिर चले गए, बोले कि ठीक है तुम अपना स्ट्रेट करा लो और हो जाएगा तो कॉल कर देना, तो बोले ठीक, तो वो चले गए। उसके बाद बच्चे लोग आ गए, खाना वाना खा लिए हैं लोग अपने, वो अपने काम पे चले गए। और पता है असल बात क्या है, यहाँ पे हमको लग गया था लगभग पाँच घंटे कोई बैठ सकता है, कौन है फिर ये इतना। तो फिर मैं बोली कि आप जाइए हम कर लेंगे, तो यहाँ पे चाय और कॉफ़ी का व्यवस्था था, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, ये मैंने पिया। उसके बाद ये ब्लॉगिंग कर रही है, देखिए सब लोग पब्लिक में है ब्लॉगिंग, तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा और ज़्यादा व्यू जाए, उम्मीद करती हूँ व्यू तो जाएगा, क्योंकि पब्लिक का जो है और इतना खर्चा करके जो की हूँ है ना तो प्लीज़ सपोर्ट करें। और ये देखिए, ये तीसरा सेकंड है शायद, सेकंड बार है जो कि लग रहा है, तो दो घंटे के बाद ये साफ़ करना है, सेम्फू करना है, ये भी लगाने के बाद एक दो घंटे वेट करो, फिर उसके बाद सेम्फू लगाओ। आप तो थक गई थी ना पूरा? नहीं, हम क्यों थकेंगे, क्योंकि यहाँ पे लगाने वाले बहुत लोग हैं ना, वो लोग कर रहा था, मैं तो ब्लॉगिंग कर रही थी, आराम से बैठी थी कराएंगे स्नेहा को भी कराएंगे, तुम पता है मेरी बेटी बोल रही है कि मम्मी अपना करा ली, मेरा नहीं कराई, तो नहीं करा सकते बाबू, क्योंकि आपका तो कितना 12 साल की है मेरी बेटी, तो 12 साल की उम्र में नहीं होता है। मैंने पूछा था उनसे, तो बोले कम से 18 के बाद ही हो सकता है, क्योंकि चूल्हे स्टेट कर किया जाता है ना, लाइट का लगता है, तो उन्होंने मना कर दिया हमें, कोई बात नहीं जब 14-18 साल को हो जाएगी उसके बाद ही कराएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है ना स्नेहा, 18 के बाद कराएंगे। तो फिलहाल ये देखिए अभी वेट कर रही हूँ, और ये देखिए पूरा ये हो गया, चिपचिप हो गया है, कैसे लग रही हूँ वीडियो की तरह क्लब करके बैठी हूँ। ये देखिए एनिवर्सरी, तो सब लोग सज करके आया है, वो क्या बोलते हैं न्यू ड्रेस बना लो, ये मतलब खास करके यहाँ पे ब्लैक की ड्रेस चलता है, लेकिन वो मैनेजर थी ना तो इसलिए थोड़ा सा अलग ड्रेस है, ये भी है, तो इनको ये मुझे मना कर दी कि दीदी आप मेरा ब्लॉगिंग फेस मत लीजिएगा, तो मैंने थोड़ा सा लिया था, फिर मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं आपका नहीं लेंगे, क्योंकि बोल रही थी कि मेरे घर वाले थोड़ा गुस्सा होते हैं, बोले कि ठीक है कोई बात नहीं आपका ब्लॉगिंग हम नहीं लेंगे, सब लोग एक जैसा थोड़ी ना होता है, सबको सब कुछ पसंद नहीं होता है,
इनका मैंने नहीं लिया। और एक जो सिस्टर है वो बहुत अच्छी थी, वो तो बोल रही थी कि आप ब्लॉगिंग कीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी की है और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी की है, और बहुत अच्छा लगा उसके बाद उनसे मिल के बातें करके। तो ये देखिए फाइनली मेरा ये भी हो गया है सैंपल, तो थोड़ी देर में कंप्लीट होने वाला है। काफ़ी अलग हो गई हूँ ना उसने। हाँ सही बात है, पैसा क्या ना कराता है ना, पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन होता है ना, सब शौक पूरा नहीं हो पाता। तो मैंने YouTube चैनल खोला है, कुछ पैसे आ रहे हैं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से, तो मैंने ये कदम उठाया कि चलो भैया जब पैसे आ रहे हैं तो थोड़ा स्टेट करा लो, अपनी भी शौक पूरा कर लो। थोड़ी बहुत अपनी भी इच्छाएँ होती हैं जो कि नहीं पूरा हुआ था, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ये भी इच्छा हमारा पूरा हो गया कि चुल को हमने स्टेट करा लिया बालों को। मुझे बहुत इच्छा था लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था, इसके वजह से हम नहीं करा रहे थे, तो अभी मिला है, तो इसी के बहाने मेरा चुल का स्टेट हो गया। तो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, आप लोग कैसे हैं ये भी बताइएगा। ये देखिए कितना क्लिप लगा हुआ है सर पे, बड़ा बड़ा है। और देखिए सब लोग ब्लैक ड्रेस में ही बैठा है, चाकू ले कैंची लेकर के, पोस्टर भी लगाए तो ब्लैक ड्रेस का ही है, ब्लैक में ही ज़्यादा रहता है क्योंकि वो कलर रहता है ना, तो ये होता है क्या ही लग जाता है, वाइट ड्रेस हो चाहे दूसरा ड्रेस हो, तो इसलिए ब्लैक में ही रहता। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा स्टेट सही हो गया, कंप्लीट हो गया चार बार में, चौथा बार में। तो फिर अब यहाँ से लग गया है भूख, 5 घंटा वेट करते करते तो होटल में गए, समोसा और चटनी खाए। तो ये देखिए मतलब भूख तो लगेगा, इतना देर के बाद खाना खा रही हूँ, हल्का मैंने खाना खाया समोसा और चटनी। फिर उसके बाद से बच्चों के लिए कुछ कुछ लिया, ये आइसक्रीम बाहर आए और आइसक्रीम ऐसा होता है तो मैंने आइसक्रीम खाया, फिर मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। फिर आइसक्रीम भी खाया बच्चों के लिए, क्या बोलते हैं भुट्टा पप्पा और लेस वगैरह, तो ये देखें घर पर आ रहे हैं, ये मतलब बच्चे बहुत खुश हुए, ये लेकर के आई और वहाँ से मिठाई जो मिला था अंदर से था, मैंने बताया था वहाँ से मुझे मिठाई मिला था, लेकिन कहीं का डाला तो मिठाई भी मिला दीजिए। देखो तो सुना है इसमें क्या क्या मिठाई है, देखो तीनों बच्चे मेरा वेट कर रहे थे, खाना खा लिए थे, खाना खा करके वेट कर रहे थे। आर्यन ने खोला, नहीं खुला स्नेहा ने खोला, क्या किया देखो, ये भुजिया है और गुलाब जामुन, तीन तरह का मिठाई है और मिक्सचर, बस यही है। तो मेरा कैसा लगा ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक लेटर, बाय बाय, लाइक कमेंट एंड शेयर, थैंक यू।